नाबालिग ने सपा और बसपा के कई नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में बनेगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक, अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर से है गहरा नाता, अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन के लिए दी गई स्वीकृति। सीबीआई ने सीजीएम प्रयागराज को दिया आवेदन, सीबीआई ने मांगा आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट, फिलहाल तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल के बाहर। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, राजकीय महाविद्यालय का करेंगे लोकार्पण, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी साथ में रहेंगे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक 17 साल की मासूम लड़की ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं सहित 28 लोगों पर पिछले कुछ सालों से उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। उसकी शिकायत के आधार पर ललितपुर पुलिस ने मंगलवार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली। आरोपियों में उसके पिता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, सपा के शहर अध्यक्ष राजेश जैन झूठिया, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक अरियावर और अन्य लोग शामिल हैं। लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वो कक्षा 6 में थी तो उसके पिता ने उसे अश्लील फिल्में दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने का लालच दिया, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। बाद में उसके पिता ने उसके लिए नए कपड़े खरीदे और उसे गाड़ी चलाना सिखाने के बहाने घुमाने ले गए। वो उसे एक सुनसान खेत में ले गया और चुप रहने की चेतावनी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी कि उसकी माँ को मार डालेगा। कुछ दिनों बाद वो उसके स्कूल से वापस रास्ते में एक होटल में ले गया और उसे नशीला पदार्थ नाश्ता करने को दिया, जिसके बाद उसे एक महिला को सौंप दिया गया, जिसने उसे एक कमरे के अंदर अकेला बैठा दिया। और कुछ देर बाद एक आदमी कमरे में आया, जबकि वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसके कपड़े और जूते सही जगह पर नहीं थे, उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। बाद में सिलसिला जारी रहा और हर बार होटल के कमरों में एक नए चेहरे, एक नए व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते रहे। उसने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि तिलक यादव ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया है और कहा है कि उसके पिता ही उसे उसके पास लाए थे। उसने उससे कहा कि उसकी माँ भी उसके पास आएगी। लड़की ने आगे आरोप लगाया है कि जब वो अपने मामा के घर गई तो वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसने दावा किया है कि उसकी दादी ने घटना को दबाने की कोशिश की। ललितपुर के SP निखिल पाठक ने कहा है कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और हम इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और धारा 161 के तहत उसका बयान भी दर्ज कर लिया गया। एक मजिस्ट्रेट धारा 164 के तहत जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित के पिता से पूछताछ भी की जा रही है, वो एक ट्रक ऑपरेटर हैं। इस बीच सपा जिला अध्यक्ष तिलक यादव ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दावा किया है कि उन्हें और उनके भाइयों को मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। ललितपुर का ये पूरा मामला, जिसने पूरे प्रदेश को चौंका कर रख दिया है। एक 17 साल की मासूम लड़की जो अपने पिता समेत बसपा और सपा के कई नेताओं पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा रही है और FIR भी दर्ज कराई है। वहीं अगर सपा नेता की बात की जाए, जिसका नाम ललित तिलक यादव बताया जा रहा है, उसका साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट किया जा रहा है उसके और उसके भाइयों के खिलाफ है, वो पूरी तरह से झूठा है, उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। लेकिन पीड़िता ने साफ तौर पर कहा है कि जब वो बहुत छोटी थी, यानी कि 6 क्लास में पढ़ती थी, तभी से ही उसके साथ इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। उसे चुप रहने की धमकी दी गई, उसकी माँ को मारने की धमकी दी गई और बार बार उसके साथ ये दुष्कर्म होता रहा और मामले को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि पीड़िता का ये कहना है कि काफ़ी हिम्मत जुटाकर उसने कल FIR दर्ज कराई है। इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर दी गई है, मामले में छानबीन भी की जा रही है, आरोपी पिता को भी पकड़ लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। सरासर नहायत ही झूठे आरोप लगाए गए हैं। मेरा इस मामले से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना मैं उस लड़की को जानता हूँ, ना उस लड़की की माँ को जानता हूँ और ना मैंने उसका कभी घर देखा है, ना वो कभी हमारे घर आई है। हम उस बच्ची से जिसने भी ये FIR कराई है, हमें उन लोगों पे तरस आ रहा है। इस तरह से जो है
किसी सामाजिक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का ये षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, CBCID जांच करे, CBI जांच करे, उच्च स्तरीय SIT जांच करे या मैजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो सत्य है वो सामने आए और इस तरह राजनीतिक लोगों को की छवि धूमिल करने के लिए जो भी षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि इतने निचले स्तर पर कभी नहीं आना चाहिए। मामला जो है ललितपुर शहर का ही है और कल रात एक लड़की ने तहरीर दी जिसमें उसने अपने पिता पर ही जो है शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है कि उसके पिता ने ही उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और न केवल अपने ही दुष्कर्म किया बल्कि अन्य लोगों से अपने साथ ला करके उसका शारीरिक शोषण करवाता था, जिस संदर्भ में कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है और लड़की नाबालिग है और इस संदर्भ में जो है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और 164 का बयान भी कराया जाएगा, और जो अन्य लोगों के भी उसने नाम दिए हैं, क्योंकि मामला पिता पुत्री का भी है और बहुत संवेदनशील मामला है, उसमें अन्य कई लोगों के नाम लिए हैं, जो भी बात होगी उसको बड़े धैर्य से जो है उसका परीक्षण करके और इस संवेदनशीलता को ध्यान रखते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी ताकि कोई दोषी उसमें बचने न पाए और उसकी सुरक्षा के दृष्टि से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, उसके आवास पर, लड़की के आवास पर उसकी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, लगातार इस तरह के आरोप वो लगा रही है, अपने पिता समेत 28 लोगों पर उसने आरोप लगाया है। उसका कहना है कि बहुत सालों से उसके साथ ये होता रहा लेकिन डर के मारे उसने कभी भी इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब उसका कहना है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी, उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ वो शिकायत करा चुकी है। वहीं पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि मामला बेहद संवेदनशील है, इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उनकी रक्षा करने का पूरा वादा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं, वहाँ महिलाएं, मासूम बच्चियाँ अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सपा बसपा के कई नेताओं के नाम आ रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं और उन पर किसी का भी हाथ नहीं होता, लेकिन अब उम्मीद है कि शायद दोषियों को सजा मिल पाएगी। लेकिन मामला बेहद गंभीर है, 28 लोगों पर मासूम ने आरोप लगाया, कई सालों से प्रताड़ना वो झेलती रही, डरी रही, सहमी रही, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, जहां जहां वो गई है, चाहे वो अपने मामा के यहां गई हो, चाहे वो अपने घर पर हो या फिर उसका अपहरण किया गया हो, हर जगह उसके साथ ये घिनौनी वारदात हुई है, जिससे सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं मानसिक तौर पर भी वो प्रताड़ित रही। लेकिन कल इस पूरे मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में अब छानबीन भी की जा रही है। पुलिस कह तो रही है कि कोई भी आरोपी नहीं बच पाएगा, लेकिन जो मुख्य आरोपी है तिलक यादव, उसने साफ तौर पर कहा है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। तो ये पूरा मामला ललितपुर का है जिसने पूरे प्रदेश को एक बार फिर से हाथरस की याद दिला दी है। जिस तरह से हाथरस में पूरा कांड हुआ था, उसके बाद लगातार पूरे देश की निगाह हाथरस पे थी, तो ऐसे ही ललितपुर है। इस पूरे मामले में पीड़िता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं अपनी पूरी होश और आवाज में ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी, मेरे पिताजी ने मुझे गंदी गंदी वीडियो दिखाई और कहा कि तुम्हें भी यही करना है, और मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगी, तो बोले कि तुम्हें यही करना पड़ेगा और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी माँ को मार दूंगा। फिर उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल से खाने के बहाने मुझे खेतों में ले गए और उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं डर गई, इसलिए मैं शांत रही, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो वो मुझे छुट्टी के समय तुरंत लेने आए और बोले कि जो मैं कहूँगा वो करना,
तो मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे पानी की टिक्की पिलाई और एक होटल में ले गए। उस होटल का नाम राधा कृष्णा होटल था, वह स्टेशन के पास है। वहाँ पे एक बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, मैं उसको नहीं जानती थी, पर उसने बोला कि आओ बेटा मैं तुम्हें एक कमरे में ले चलती हूँ। मुझे वह कमरे में ले गई। मैं धीरे धीरे बेहोश की हालत में होती गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पानी की टिक्की मुझे पिलाई गई है उसमें कोई चीज़ मिली है। तो मैं धीरे धीरे बेहोश होती गई और वह औरत मुझे कमरे में छोड़ गई और बोली कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रुकना। फिर धीरे धीरे मैं बेहोश होती गई। वहाँ उस कमरे में एक आदमी आया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। तो नाबालिग को आपने सुना है, उसने साफ तौर पर अपने पिता और कई लोगों पर आरोप लगाए हैं और इसमें एक महिला भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन गिरी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ललितपुर से। नितिन, ये पूरा मामला क्या है पहले समझाइए। जी, आपको बता दें, मामला ललितपुर जिले का है जहाँ एक तरसार करते सामने आई, जहाँ नाबालिग लड़की जिस पर करने का आरोप है। इसके अलावा पिता के द्वारा कई लोग पिता द्वारा ही करीब 28 लोगों द्वारा नुकसान कराया गया, जिसका लड़की ने 27 लोगों पर आरोप लगाया है। इसकी शिकायत इसमें पुलिस पाठक से की है। तहरीर के आधार पर सभी लोगों को मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जो है की जा रही है। नितिन, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, बेहद ही संवेदनशील ये पूरा मामला है और बेहद ही चौंका देने वाला है। 28 लोगों पर आरोप लगाया गया है दुष्कर्म का, खुद पीड़िता के पिता भी इसमें शामिल हैं। क्या पिता को गिरफ्तार किया गया है? जो महिला पीड़िता जिसका नाम ले रही है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? क्योंकि कल प्राथमिकी दर्ज की गई है, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी, आपको बता दूं, आपकी जो नाबालिग लड़की का पिता है उसको पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो अन्य लोगों के नाम है सभी को पुलिस जांच के घेरे में, सभी से बारी बारी की सभी की तलाश की जा रही है। नितिन, जो ललित जो तिलक यादव है, तिलक यादव जिस पर जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिस पर यहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाया है, उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है। उसके साफ तौर पर यह कहना है कि मुझे और मेरे भाइयों को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी? जी, आपको बता दूं, मुकदमा दर्ज सपा के जो जिला अध्यक्ष शरद यादव अपने सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि विरोधियों द्वारा राजनीतिक देश भावना से एक फर्जी मामला बनाकर नाबालिग लड़की की पिता दर्ज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक इसकी जांच कर रहे हैं और उन्होंने चिंता कहना है जो भी इसमें दोषी पाई आएगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नितिन, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि किसी नेता पर इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हों। अगर हम उन्नाव जाएं तो उन्नाव में सबसे बड़ा उदाहरण था जहां पर एक नेता पर इतना गंभीर आरोप लगा। इस पूरे मामले में 28 आरोपी बताए जा रहे हैं जिसका नाम पीड़िता लगातार ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पीड़िता इतने दिनों से चुप क्यों थी? क्या उस पर कोई दबाव बनाया गया था? क्योंकि पीड़िता का कहना है कि उसकी दादी भी दबाव बना रही थी, जब अपने मामा के यहाँ गई वहां पर भी उसके साथ दुष्कर्म, प्रताड़ना लगातार वो झेलती रही सालों से। जी, आपको बता दूं, जो पीड़िता है करीब पिछले 3 महीने से पुलिस से शिकायत करने के लिए लगी हुई थी, लेकिन तरह उस पर दबाव बना हुआ था, उसके परिवार को मान से मारने की धमकी जा रही थी जिससे वह डरी हुई थी और पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही थी, मगर अभी किसी तरह पुलिस तक वह पहुंची और ललितपुर एसपी निखिल पाठक ने उसको कड़ी सुरक्षा देते हुए सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए सपा और बसपा के नेताओं की, क्योंकि कई नेताओं के नाम है इसमें, क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आए? जी, अभी सपा जिलाध्यक्ष जो है तिलक यादव, उन्होंने सफाई दी है इस मामले में। उन्होंने कहा है राजनीति जिस भावना की चलती को जो है फंसाया जा रहा है, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को देखते हुए राजनीतिक स्टंट के साथ खेला जा रहा है। देखिए, जो पीड़िता ने एक वीडियो बनाया है, वीडियो में साफ साफ नाम लिए हैं, तो फिर आखिर पुलिस यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है उन नेताओं तक जिनके नाम इसमें शामिल हैं? जिस पुलिस की लगातार आरोपी उनके खिलाफ दबिश जारी है, लगातार दिशा दबिश दे रही है, सभी की तलाश की जा रही है, बारी दर बारी सभी को जो है पकड़ा जा रहा है, सभी से पूछताछ की जा रही है।
बिल्कुल नितिन, और जो पीड़िता की माँ है, क्योंकि लगातार उसे कहा जा रहा था कि अगर वो कुछ भी बोलती है या पुलिस में शिकायत कराती है तो उसकी माँ को मार डालेंगे, तो माँ क्या सामने आई है? जी बिल्कुल, माँ और पीड़िता है वही महिला थाने में जाकर महिला पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर ये जांच की जा रही है और सभी 28 लोगों पर, आपको बता दो 28 लोगों पर 354 जैसा 323 328 520 भी प्रोस्पेक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी की तलाश कर सभी से पूछताछ की जाएगी, जो भी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जांच आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट कब तक आ पाएगी, कोई जानकारी नितिन? जी अभी तो स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि मेडिकल कराया गया है, इंतजार किया जा रहा है मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नितिन, अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए तमाम टीमें बनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देंगे, लेकिन घर में ही मासूम बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ये कोई पहला मामला तो नहीं है कि किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ इस तरह की घटना हुई हो। लगातार हम देखते हैं कि रोज ऐसी घटना आती है, लेकिन आज जो एक घटना आई है वाकई शर्मसार कर देने वाली है। ये आपको बता दूं, घटना रेप की घटना कहीं पड़ोस में होने वाली या आसपास होने वाली कही आती है, लेकिन ये घटना ललितपुर में काफी चर्चा का विषय बनाई बनी हुई गाय अपना पिता या भी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, तो कई लोगों से कराने की बात आ रही, सामने आ रही है, जिससे ललितपुर में चर्चा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। पिता पुलिस की हिरासत में है नितिन, अभी आपने बताया, तो क्या पिता ने बात कबूल की है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया? जी पुलिस अपने हिसाब से अपने तरीके से भी कार्रवाई कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है, पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का बयान नहीं आया है, काफी पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। कुछ पुलिस वीडियो लड़की की तरफ से भी फुटेज मिले हैं, जिसके आधार से कार्रवाई यह की जा रही है। नितिन, जिस तरह से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ही ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। जी लड़की जो क्या है, तेजी देखी जा रही है, कार्रवाई में तेजी देखी जा रही है? मीडिया में चर्चा आने के बाद जो है पुलिस लगातार दबिश दे रही है, पहले मामले को लेकर सुस्ती छाई हुई थी, लेकिन अब मीडिया में चर्चा आने के बाद लगातार कार्रवाई की बात कर रही है और दबिश भी जारी है। यानी जब तक मीडिया में खबर नहीं आएगी पुलिस अपना काम नहीं करेगी, जब तक खबरें ना दिखाएं पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी, आप यही कहना चाह रहे हैं नितिन? कैसा माहौल देखने के लिए मिलता है ललितपुर में? ललितपुर आपको बता दूं काफी शांति प्रिय शहर है, लेकिन कुछ समय से माहौल जो है खराब बना हुआ है, क्राइम को लेकर चकारी को लेकर काफी माहौल है बिगड़ता नजर आ रहा है। नितिन, जो भी कोई अपडेट आएगा आप जरूर हमें बताएंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सपा और बसपा के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, मेरे सहयोगी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला बेहद ही संवेदनशील है। एक 17 साल की लड़की जो वीडियो वायरल कर ये बता रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके पिता भी इसमें शामिल है, तमाम नेता इसमें शामिल है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, सभी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक मीडिया में खबर नहीं चलेगी तब तक पुलिस अपना क्या काम नहीं करेगी? ऐसे ही और भी सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। बेंगलुरु और अन्य जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालिया छापेमारी में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के करीबी सहयोगी बीआर उमेश और अन्य बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए बड़ा झटका है। पार्टी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। इनकम टैक्स को तलाशी और जब्ती के दौरान करीब
750 करोड़ रुपए की अघोषित आय मिली है। इसमें से करीब 487 करोड़ रुपए की राशि को संबंधित समूह की संस्थाओं ने अपनी अघोषित आय के रूप में स्वीकार कर दिया। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई तलाशी 4 राज्यों में फैली 47 परिसरों में की गई थी। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एसटी कुमारस्वामी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि येदुरप्पा के करीबी सहयोगियों पर केवल उनके चेकमेट देने और उन्हें वश में करने के इरादे से आईटी छापेमारी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि येदुरप्पा और विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कर्नाटक में बीजेपी को कमजोर करने की योजना बनाने के लिए मैसूर में मुलाकात की। उनका काम है कि सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता कि येदुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र के करीबी सहयोगियों को आईटी विभाग ने क्यों निशाना बनाया है। ये बीजेपी द्वारा येदुरप्पा पर ब्रेक लगाने के इरादे से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि बीजेपी येदुरप्पा को नियंत्रित करना चाहती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। राज्य की सरकार इसलिए यहां अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक बनाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन के लिए स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में स्मारक न्यास के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस स्मारक का मकसद अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। बताया गया है कि स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं और ननिहालों में राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा और दृश्य श्रवक माध्यमों से उनके जीवन चरित्र का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार प्रतिमा स्थल के आसपास सुव्यवस्थित जन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यशाला, सेमिनार, शोध संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन भी किया जाएगा। सीबीआई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन दिया है, जिसमें महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत के 3 आरोपी आनंद गिरी, आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के पॉलीग्राफ परीक्षण की मांग की गई है। यह आवेदन मंगलवार को दायर किया गया था और सीजेएम अदालत 18 अक्टूबर को इस पर फिर से सुनवाई करने जा रही है। अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सीबीआई ने अपने आवेदन में उक्त मामले में संबंध में चल रही जांच की सच्चाई जानने के लिए आरोपी पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति मांगी है। इस बीच आरोपी के वकील ने पॉलीग्राफ टेस्ट के विरोध में एक अर्जी भी दाखिल की। बता दें कि आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है, जिनका शव 20 सितंबर को बागम्बरी मठ के कमरे में पंखे से लटका मिला था। महंत ने अपने कथित सुसाइड नोट में 3 आरोपियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। इस मामले में शुरुआती जांच पुलिस कर रही थी, पर बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। बता दें कि फिलहाल 3 आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वरधाम और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर राजद और कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। दोनों पार्टियां इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाह रही है। इसे लेकर दोनों दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई। ऐसे में कांग्रेस द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में एक भी यादव जाति के नेता नहीं होने पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राजद का वोट बैंक MY यादव और मुस्लिम समीकरण रहा है। अगर कांग्रेस को राजद से बढ़त बनानी है तो उसे राजद के वोट बैंक में सेंध लगानी ही होगी। ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची में यादव जाति के नेता की उपस्थिति शून्य होने से सवाल उठने लगे। राजद ने स्टार प्रचारकों की सूची में कुल 20 नाम दिए हैं, जिसमें लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव सहित कम से कम 5 ऐसे नेताओं के नाम है जो यादव समुदाय से आते हैं। इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की 20 सदस्यीय सूची में 5 भूमिहार, 5 मुस्लिम, 3 ब्राह्मण, 3 दलित, 2 राजपूत और 1 कायस्थ और OBC नेताओं के नाम शामिल हैं। इस सूची में एक भी यादव जाति से आने वाले नेताओं के नाम शामिल नहीं बताए जा रहे।
पांच दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जंगल कोड़िया स्थित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण कर सकते हैं। इस दौरान वो परिसर में स्थापित महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। वहीं इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी मौजूद रहेंगी। तो पांच दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी कर सकते हैं और इसके साथ एक खास सौगात गोरखपुर वासियों को दे सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।